सामने आ रही है और इस खबर में क्या कुछ खास कहा गया है, इस बात की जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर अब 15 साल पुराने वाहन नहीं दौड़ेंगे। नए नियम के तहत 15 साल की अवैध पूरी हो जाने के बाद जितने भी पब्लिक सेक्टर के वाहन हैं उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। इसे लेकर डिपार्टमेंट ने पूरे वाहनों की लिस्ट जो है वो बना ली है और इसके बाद अब उसे खंगालना शुरू कर दिया है। केवल जम्मू संभाग से ही अभी तक ऐसे वाहनों की संख्या करीब 3.5 लाख के करीब बताई जा रही है। और इसी के बाद हालांकि विभाग अभी तक सरकारी दफ्तरों के 15 साल पुराने वाहनों को नष्ट करवा रहा है। इसके बाद सरकारी दफ्तरों के 90% से ज़्यादा वाहनों को जो है वो स्क्रैप घोषित कर दिया गया है और इसके बाद जो है निजी वाहनों का नंबर आएगा, यानी कि जो निजी वाहन होंगे इसके बाद इनका नंबर आएगा। पहले सरकारी दफ्तरों के वाहनों का नंबर जो है वो अभी फिलहाल चल रहा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार लगातार सड़क सुरक्षा के साथ वाहनों की रफ्तार बढ़ाने की कवायद जुटी है। इसके बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में साफ तौर पर ये कहा गया है। इसके बाद इनके अनुसार केंद्र और राज्य सरकारें 15 साल से अधिक पुराने वाहनों एवं परिवहन नियमों को सार्वजनिक जो है उनको करने के लिए ये फिलहाल ये फैसला लिया गया है। और इससे एक आपको मैं बता दूं, इसके बाद 1 अप्रैल के बाद समाप्त कर उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही इन सभी कार्यों को रजिस्टर स्क्रैप सेंटर पर नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, इसे लेकर परिवहन विभाग ने जम्मू कश्मीर के सभी विभागों से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का ब्यौरा मांगा है। परिवहन विभाग की माने तो सरकारी विभागों से 15 साल पुराने लगभग सभी वाहनों को हटा दिया गया है। यदि कहीं पर वाहन बचे हैं तो उनकी पहचान की जा रही है, इसके बाद उन्हें भी नष्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, अभी इसे 6 महीने जो हैं वो लगेंगे इस काम को पूरा करने में। आपको मैं बता दूं, नए वाहन खरीदने में भी लोगों को छूट मिल रही है। पुराने वाहन स्क्रैप कराने और नया वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन में 15% की छूट मिल रही है इसकी। इसी प्रकार कॉमर्शियल वाहन पर भी 10% की छूट जो है वो मिल रही है लोगों को। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको रेन्यूअल के लिए कितना शुल्क जो है वो चुकाना होगा। बाइक का रजिस्ट्रेशन रेन्यूअल करवाने के लिए आपको 1000 रुपया लगेगा। कार रजिस्ट्रेशन रेन्यूअल करवाने के लिए 5000 रुपये तक की राशि तय की गई है। बस और ट्रक की अगर फिटनेस रेन्यूअल करवाना चाहते हैं आप सर्टिफिकेट के लिए तो 12,500 जो है वो लगेगा। उसके बाद छोटे जो माल वाहन यात्री वाहन होते हैं, मोटर वाहन होते हैं, इन्हें रेन्यूअल करवाने के लिए जो है इनका अमाउंट 10,000 तक तय किया गया है। अभी भी सभी विभागों में सरकारी वाहनों को नष्ट करवाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सरकारी विभागों में 15 साल पुराने लगभग सभी वाहन किया जा चुका है।